नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष ने बुधवार को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर के शेर ए कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में अब्दुल्ला और उनके मंत्रियों को शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद रहे। वहीं जेकेएनसी प्रमुख फारूक अब्दुल्ला, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती, एएपी के नेता संजय सिंह, सीपीआई नेता डी राजा सहित इंडिया गठबंधन के अन्य नेता मौजूद दिखे। अब इस पर पीएम मोदी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। प्रधानमंत्री मोदी उमर अब्दुल्ला को बधाई देते हुए कहे हैं कि लोगों की सेवा करने के लिए उनके प्रयासों के लिए उन्हें शुभकामनाएं। केंद्र जम्मू कश्मीर की प्रगति के लिए उनके और उनकी टीम के साथ मिलकर काम करेगा। साथ ही आपको बता दें कि उमर अब्दुल्ला के साथ एनसी की तरफ से सुरेंद्र चौधरी, जावेद डार, सकीना इट्टू, जावेद राणा और सतीश शर्मा मंत्री बनाए गए हैं। सुरेंद्र चौधरी डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। शपथ ग्रहण समारोह में इंडिया गठबंधन के कई दिग्गज नेता पहुंचे थे। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, सुप्रिया सुले, अखिलेश यादव कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए श्रीनगर पहुंचे। इसके अलावा महबूबा का बयान भी सामने आया है। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि जम्मू कश्मीर को बहुत सालों बाद अपनी एक सरकार मिली है, लोगों ने एक स्थिर सरकार चुनी है। जम्मू कश्मीर के लिए बहुत मुश्किल दौर है। 2019 के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत जख्म लगे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जो सरकार बनी है वो सबसे पहले इन जख्मों का मरहम करेगी। 5 अगस्त 2019 के फैसले से जो लोगों को तकलीफें हुए हैं उसके बारे में सबसे पहले प्रस्ताव पास करें और उस फैसले की निंदा करें। उमर अब्दुल्ला के साथ सकीना इट्टू ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम की डीएच पोरा विधानसभा सीट से उन्होंने चुनाव जीता था। पहली बार 1996 में वो चुनाव जीतने में सफल रही थी। उस समय वो विधानसभा में सबसे युवा सदस्य थी। सकीना इट्टू पहले भी मंत्री रह चुकी हैं। समाज कल्याण, राज्य मंत्री और लोक निर्माण जैसे विभागों की जिम्मेदारी उन्होंने संभाली है। जावेद अहमद राणा को भी उमर अब्दुल्ला की सरकार में मंत्री बनाया गया है। जावेद राणा पीर पंजाल रेंज के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष रह चुके हैं। राणा नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता हैं। हालांकि पीएम मोदी को लेकर विवादास्पद बयान को लेकर साल 2019 से उनकी बेहद आलोचना हुई थी। वहीं 90 सीटों वाली विधानसभा के लिए करीबन 10 साल बाद चुनाव कराए गए। इसमें फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस के साथ गठबंधन में बहुमत हासिल की। इसके अलावा कुछ निर्दलीय और अन्य दलों के विधायकों ने भी सरकार को समर्थन दिया। 10 साल बाद फिर अब्दुल्ला परिवार जम्मू कश्मीर की सत्ता में वापस आ गया है। जम्मू कश्मीर के गठन के बाद ज्यादातर सरकारें परिवारों ने ही चलाई है। इनमें अब्दुल्ला परिवार भी है, जिसकी नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी ने राज्य को नई और कई मुख्यमंत्री दिए हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।